मेडिसिन की इस दुनिया में पेनिसिलिन की डिस्कवरी एक चमत्कार था, जिसने सॉफ्ट टिश्यू रिलेटेड इन्फेक्शन को ठीक करने में हमारी मदद की, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन, लंग्स इन्फेक्शन। बट पेनिसिलिन एक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जिसके दो मेजर इश्यूज है। पहला, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने पेनिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है। एंड दूसरी चीज, पेनिसिलिन के कारण एलर्जी होती है जिसके कारण आपके बॉडी के ऊपर रैशेस आते हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नई मेडिसिन का आविष्कार हुआ जिसका नाम है मैक्रोलाइड। आज इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स। मैक्रोलाइड्स की डिस्कवरी 1952 में हुई। इस मेडिकामेंट के दो मेन एडवांटेजेस थे। पहला, इस मेडिकामेंट के कारण एलर्जी नहीं हो रही थी। एंड दूसरी चीज, बैक्टीरिया इजिली रेजिस्टेंस डेवलप नहीं कर पा रहा था। तो फिर मैक्रोलाइड्स के एग्जाम्पल कौन से है? पहला एग्जाम्पल है एरिथ्रोमाइसिन, दूसरा है क्लैरिथ्रोमाइसिन, तीसरा है अजिथ्रोमाइसिन, फोर्थ वन इज रॉक्सिथ्रोमाइसिन। तो फिर इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है, चलो उसे भी डिस्कस करते हैं। बेसिकली मैक्रोलाइड्स का मेन टारगेट मॉलिक्यूल होता है राइबोसोम्स। एंड जैसे कि हम जानते हैं, राइबोसोम्स के दो यूनिट्स होते हैं, लार्जर यूनिट एंड स्मॉलर यूनिट। लार्जर यूनिट को कहते हैं 50S, स्मॉलर यूनिट को कहते हैं 30S। तो हमारा जो ड्रग है मैक्रोलाइड, ये बेसिकली लार्जर यूनिट को टारगेट करता है। ये यूनिट ब्लॉक होने के कारण राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर सकते। अगर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो सकता, अल्टीमेटली सेल डेथ कंफर्म है। मैक्रोलाइड्स का ओवरऑल मैकेनिज्म आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। मेनली ये जो मैक्रोलाइड्स है, ये प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को इनहिबिट कर देते हैं बाय टारगेटिंग 50S राइबोसोमल सब यूनिट। बट मैक्रोलाइड्स के कुछ एडवर्स इफेक्ट्स भी है, जैसे कि इसके कारण होती है ऑटोटॉक्सिसिटी, यह आपके ईयर को डैमेज कर देता है। एंड दूसरी चीज, GI अपसेट, इसके कारण आपको नौशिया, वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आती है। तो ये थी कहानी मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स की। नेक्स्ट वीडियो में हम एक ऐसे ड्रग के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका स्पेशल एडवर्स इफेक्ट है ग्रे बेबी सिंड्रोम। तब तक के लिए आप पढ़ाई कीजिए, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।